यू आर वॉचिंग फैक्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार, ये फैक्ट इंडिया न्यूज है। इस न्यूज में आप तमाम का स्वागत है। कलबुर्गी 18 मार्च, IANS चौंकाने वाली घटना में यहाँ के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी को दूसरे शख्स ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। आरोपी की पहचान महबूब पाशा के रूप में हुई है। ये घटना गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में JAMS में हुआ है, जिम्स में हुई। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की रात 11 बजे आरोपी ये सुनिश्चित करने के बाद वार्ड में घुसे कि कोई नहीं है और अपराध को अंजाम दिया। उस समय अस्पताल में मौजूद एक अजनबी ने उसे पकड़ लिया और अधिकारियों को सौंप दिया। पीड़ित महिला का पिछले 7 माह से अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्रह्मपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार से लाखों के गहने चोरी, 36 से ज्यादा महिलाओं ने दर्ज कराई शिकायत। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में शनिवार के दिन दिव्य दरबार सजाया गया था। यहां लाखों की संख्या में धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी बागेश्वर धाम सरकार को सुनने पहुंचे थे। कार्यक्रम शनिवार शाम 5:30 बजे शुरू हुआ और रात 9 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ था। कथा खत्म होने के बाद एक तरफ जहां लोग कार्यक्रम स्थल से अपने अपने घरों की तरफ निकल गए, वहीं दूसरी तरफ एक समूह मीरा रोड पुलिस स्टेशन पहुंचा। इनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। इन महिलाओं का ये आरोप था कि कार्यक्रम के दौरान इनके गले से मंगलसूत्र के अलावा सोने की चैन भी चोरी कर ली गई। कर्नाटक के हुबली शहर में शुक्रवार को एक युवक के खिलाफ 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोप में FIR दर्ज की गई। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी हनुमंता उपार 3 बच्चों का पिता है और उसने पैसे का लालच देकर लड़की से शादी की। शादी बेलगावी के रामदुर्ग तालुके के इदकल पड़प्पा मंदिर में हुई। बाल कल्याण अधिकारी ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि उपार की पहली पत्नी नेत्रा ने भी इस संबंध में उसके खिलाफ अलग से शिकायत दर्ज कराई है। कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस की सरकार बनी तो हम महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देंगे और महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, इसके लिए सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए मैदान में उतर गई हैं। इस दौरान एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रविवार को नरसिंहपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए BJP पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिवराज सरकार द्वारा लाई गई लाडली बहन योजना को छलावा बताया। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार आने पर बहनों को 1500 रुपये और घरेलू गैस 500 रुपये में दिए जाएंगे। कांग्रेस में मनमुटाव और BJP में खेमेबाजी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों में दरार क्यों? येडियुरप्पा के बेटे विजेंद्र ने चेतावनी जारी की है कि उनके पिता को निशाने बनाने वाले लोग पछताएंगे और उनके पिता की चुप्पी को कमजोरी की निशानी का रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बम्बई ने यह कहकर विजेंद्र के लिए टिकट का आश्वासन दिया है कि शुक्रवार के शिकारीपुर के लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए, जैसे उन्होंने येडियुरप्पा को किया था। बेंगलुरु कर्नाटक में कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। चुनाव से काफ़ी पहले से वहां कांग्रेस से DK शिवकुमार और सिद्धरामैया के बीच मनमुटाव की खबरें आती थीं। इधर राज्य में BJP के अंदर भी खेमेबाजी होने लगी है, जो पार्टी के लिए सर का दर्द बन चुकी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कर्नाटक दौरे पर पहुंचे तो पूरे समय उन्होंने सीनियर नेता येडियुरप्पा की तरजीह दी, लेकिन उनके दौरे के तुरंत बाद जिस तरह से येडियुरप्पा के बेटे की ओर पार्टी के सीनियर नेता CT रवि के बीच सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी हुई, उससे BJP में नई बनाम पुरानी पीढ़ी के
पीढ़ी की जंग खुलकर सामने आ गई। अब हाल ये है कि पार्टी चुनाव से पहले इस लड़ाई को जल्द से जल्द पर्दे के पीछे ले जाना चाहती है। इसकी एक वजह कांग्रेस भी है। बीजेपी इस बार कांग्रेस की खेमेबाजी को उसके खिलाफ बड़ा हथियार बना रही है। ऐसे में अगर बीजेपी के अंदर उठा पटक होने लगी तो यह हथियार किसी काम का नहीं रह जाएगा। यही वजह है कि पार्टी ने अपने 3 सीनियर नेताओं को तुरंत वहां कैंप करने को कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।